नमस्कार, स्वागत है आपका बोल के लब आजाद है तेरे में। मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स को साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की, बिहार के चुनावों की। तेजस्वी यादव द चैलेंजर। क्या तेजस्वी यादव आरजेडी और कांग्रेस, ये कहा जाए महागठबंधन के लिए वो चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता? और यकीन मानिए, अगर वो अपसेट हो जाता है, अगर वो चमत्कार हो जाता है, तो आज़ाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा चमत्कार शायद ही कभी हुआ हो। मगर तेजस्वी यादव और बिहार चुनावों की बात करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से यानी कि शुक्रवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 4 दिनों में वो 12 रैलियां करेंगे, यानी कि एक दिन में 3 रैलीज। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री की रैली को आयोजित करने में कितनी मेहनत लगती है? आप जानते हैं, बसों में भर भर के लोगों को अलग अलग गांवों से लाया जाता है, उन्हें खाने के लिए पैकेज दिए जाते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में मैदान में लोग चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं, बस एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि कोरोना को लेकर बेशक खतरा कम हो गया है मगर टला नहीं है। अब भी उन्होंने हमसे सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे मैं कहता हूं, या फिर चेहरे पर मास्क पहनने की अपील की है। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि जो अपील आपने देश की जनता से की, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आने वाले 4 दिनों में उस अपील की धज्जियां उड़ जाने वाली हैं आप ही की रैलियों के जरिए? बताइए। तो प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है या तो आपको वो अपील करने आना नहीं चाहिए था, और जब आप अपील कर चुके हैं तो अब आप कटघरे में होंगे। आपके एक एक बात पर, आपकी रैली की एक एक चीज पर मेरे जैसे पत्रकारों की पैनी निगाह होगी, और हम देखना चाहेंगे कि जो अपील आपने की थी कुछ दिनों पहले या 2 दिन पहले कहा जाए, क्या वो खरी उतर रही है आपकी रैली के अंतर्गत? प्रधानमंत्री की ये बात तो जो उन्होंने अपील की वो एक तरफ है, मगर अब हम राजनीति की चर्चा करना चाहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगले 4 दिनों में जब प्रधानमंत्री रैलीज को संबोधित करेंगे एक ऐसे राज्य में जहां उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं हुआ है, कम से कम जो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर हम निगाह डालें और तमाम जो प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं उस पर हम निगाह डालें, तो प्रधानमंत्री अगले 4 दिनों में बिहार की सियासत को पूरी तरह से पलट देने का मादा रखते हैं। मगर आज हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की, द चैलेंजर तेजस्वी यादव। दोस्तों, तेजस्वी यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया वहां के युवाओं से मिल रही है अपनी सभाओं के जरिए, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अप्रत्याशित है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो मंच पर खड़े होकर जब बात करते हैं युवाओं से, तो उनका जो कनेक्ट है युवाओं के साथ वो कितना बेहतरीन है। मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के करीब पहुंच चुके, नहीं। लालू जी का जो राजनीतिक वर्चस्व था, उनकी जो अपनी एक राजनीतिक छवि थी, वहां तक पहुंचने में तेजस्वी को अभी बहुत मेहनत करनी है। मगर 31 वर्षीय तेजस्वी ने जिस तरह से आम जनता के साथ एक लिंक बनाया, वो अप्रत्याशित है। और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं और किस तरह से करते हैं तेजस्वी, आइए देखते हैं इसकी एक और मिसाल। और बात यहां नहीं रुकती, तेजस्वी जहां जा रहे हैं जबरदस्त भीड़ जुट रही है।
अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की ये भीड़ वोटों में परिवर्तित होगी, क्योंकि अब जो तमाम प्रीपोल सर्वेज आ रहे हैं, मसलन एक CSDS का प्रीपोल सर्वे आया है, उसमें बेशक NDA जीतती हुई दिखाई दे रही है, मगर महागठबंधन का उस तरह से सूपड़ा साफ नहीं हो रहा है जिसके बारे में बात की जा रही थी। एक और रैली देखते हैं तेजस्वी की, और फिर हम तेजस्वी जिस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं उसका रुख करेंगे। सबसे पहले इस रैली की झलक देखिए। तो सवाल यही किया जा रहा है, क्या ये रैलियां, क्या ये भीड़ वोट्स में परिवर्तित होंगी, क्योंकि CSDS का सर्वे था उसके मुताबिक करीब 24% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक अपनी राय नहीं बनाई। सवाल ये कि क्या ये 24% लोग नोटा पर जो है अपनी बटन दबाएंगे, नोटा के बटन पर जो है अपनी उंगली दबाएंगे, या फिर ये लोग तेजस्वी के खाने में जाएंगे, या ऐसा तो नहीं कि यही 23 से 24% लोग कहेंगे कि जो भी हो राज चलाना तो नीतीश को ही आता है और वो आखिरकार JDU और BJP यानी कि NDA के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करेगा। ये तमाम सवाल आते इस वक्त हमारे सामने हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहारी युवकों को 1,000,000 नौकरियां देने का वादा क्या किया, भारतीय जनता पार्टी भी अब चुनावों में नौकरियों के मुद्दे पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें उन्होंने बिहारी युवकों को 1,900,000 नौकरियां देने का वादा किया है, मगर यह वादा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसा प्रधानमंत्री ने 2015 में हुए बिहार के चुनावों में करोड़ों के पैकेज की घोषणा की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस वादे पर आम जनता विश्वास कर सकती है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि निर्मला सीतारमन ने चुनावी मैनिफेस्टो में यह भी घोषणा की कि जब भी ICMR अपनी स्वीकृति देती है तब बिहार निवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। तो सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र की जनता को या फिर उत्तर प्रदेश की जनता को या अन्य राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहा है उन्हें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? वाकई हद है। साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी का जो किरदार इस वक्त सामने उभर कर आ रहा है, मैं उसमें एक बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन दे रहा हूं, उनमें बहुत जबरदस्त परिपक्वता देख रहा हूं। मसलन उन्होंने पत्रकारों से बात की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 2 मिनट का था सिर्फ, इसके 2 हिस्से मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले नीतीश ने उन पर आरोप लगाया कि उनके पास किसी तरह का कोई तजुर्बा नहीं है। इसका जवाब उन्होंने किस तरह से दिया आप खुद देखिए। अभी भी कर रहे हैं, चुनाव में के अनुभव की कमी बहुत है, कैसे कर लेगा? हम तो पहली, मेरा तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस जो रहा वो तो 50 साल का हो गया। डिप्टी CM भी बने, हम उप मुख्यमंत्री भी बने और नेता प्रतिपक्ष भी बने। आप देखिएगा ना, 1985 में पहली बार नीतीश कुमार जी MLA बनकर के आए थे और 1990 में वो केंद्र में मंत्री बन गए। कौन सा अनुभव था उनके पास उस समय? तो केवल MLA थे। हम तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी हो लिए और डिप्टी CM भी हो लिए 5 सालों में। तो ये जवाब पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उस 18 महीने के कार्यकाल में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बताए
अगर हमें अनुभव की कमी है तो बीजेपी के लोग 20-20 हेलीकॉप्टर हमारे पीछे क्यों लगाए हुए हैं? हम तो अकेले हैं। बात यहां नहीं रुकती। तेजस्वी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सिर्फ 2 मिनट का था, उन्होंने अपनी सोच को जाहिर किया और बतलाया कि वो राजनीति के गुर सीख रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, खुद सुनिए आप। कोई आए, पूरी ताकत देश की लोगों ने चुनाव में लगाया है, लेकिन ये लड़ाई हम पहले से कह रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं है, ये बीजेपी और तेजस्वी यादव की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है सरकार वर्सेस जनता की है और हम जनता के साथ। एक बात स्पष्ट हो जाए दोस्तों, तेजस्वी यादव की जंग बहुत कठिन है, क्योंकि एक तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर में अलग अलग सभाओं का रुख करता है, मगर दूसरी तरफ उसका मुकाबला किससे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अमित शाह, जो बेशक इस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और किसी भी रैली में दिखाई नहीं दिए, मगर उनकी सोच, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी, उनके तमाम स्टार प्रचारक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव का इम्तिहान कितना कठिन है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने इसी हेलीकॉप्टर में अपनी हर सभा में जाते हैं। उनके पूरे महागठबंधन में उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है जिससे वहां की जनता पहचानती हो। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को इस वक्त चुनावी मैदान में होना चाहिए था, मगर वो वहां मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि इन दोनों को सक्रिय होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि राहुल और प्रियंका को क्या चीज रोके रखी है, मगर सियासत सियासत है। अगर आपकी पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है तो आपको मैदान में होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री 4 दिन में 12 रैलीज कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हुए, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं राहुल जी कि आपको किसने रोका है बिहार में रैलीज करने से, क्योंकि बिहार की जनता में इस वक्त जबरदस्त नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर। आपकी मौजूदगी से क्या असर पड़ेगा, मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं। अगर आप मौजूद होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब दे सकते हैं, और आप खुद जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप जिस तरह से हाथरस के मुद्दे को उठा रहे हैं, चीन के मुद्दे को उठा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को उठा रहे हैं, इससे इस सरकार में जबरदस्त असहजता हो रही है। अब तक आपको कम से कम 6 से 7 रैलीज कर देनी चाहिए थी। तो मैं आपको यही बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बहुत कठिन है। ये मानो भारत बनाम नेपाल के बीच में क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है, और इसमें नेपाल कौन है और भारत कौन है आप खुद समझ सकते हैं। मगर यह भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, जहां भारत तेजस्वी यादव हो और ऑस्ट्रेलिया अपने जमाने की जो ताकतवर टीम हुआ करती थी, जब रिकी पॉन्टिंग उनके कप्तान हुआ करते थे और ग्लेन मैकग्रा जैसे एक प्लेयर्स होते थे, तो उस दौरान भी भारत ने चमत्कार किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो क्या इस तरह का भी मुकाबला हो सकता है? ये तमाम सवालात हमारे जहन में हैं। और दूसरी तरफ एक विरासत है। देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त लालू यादव आजाद होते, जेल में ना होते, और अगर चुनावी अभियान में होते तो सूपड़ा साफ हो जाता एनडीए का। मगर हम ये ना भूलें, लालू यादव की एक विरासत भी है, और अगर किसी चमत्कार से तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो यकीनन वो विरासत जो है वो उन्हें 2 तरीकों से चुनौती देगी। पहला, लालू प्रसाद यादव की अपनी छवि, तेजस्वी यादव को जो भी करना होगा वो उनके सामने एक मिसाल होगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की छवि का एक नकारात्मक पहलू, क्योंकि अक्सर जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन की बात की जाती है, मगर यह भी सही है कि लालू प्रसाद यादव वो शख्स थे जिन्होंने बिहार को अपने 15 साल के राज में सांप्रदायिकता से दूर रखा। आपको याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी, तब लालू प्रसाद यादव ने उस रैली को रोक दिया था, और बहुत ही खूबसूरत बात उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कही थी, जिसे मैंने राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जिसमें लालू कह रहे थे कि अगर मंदिर में घंटी बजाने वाला श्रद्धालु ही नहीं होगा तो राम का भजन कौन भजेगा। याद है आपको लालू जी की वो बात? जय सीत में
अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? तो मुझे उस वक्त लालू जी की इस बात ने काफी असर की थी, मगर यह भी सच है कि 15 साल के लालू प्रसाद यादव की राज ने कहीं ना कहीं शासन पर कई उंगलियां उठाई, बिहारी अस्मिता पर ढेरों उंगलियां उठाई। ये बात अलग है कि लालू जी जब राज कर रहे थे उस दौरान भी सिविल सर्विसेज हों, जेएनयू हों या तमाम बड़ी बड़ी सर्विसेज हों, मीडिया हो, तमाम जगहों पर बिहारियों का वर्चस्व रहा है। तो उसमें दो राय नहीं है कि जो एक आम बिहारी की सोच है, उसकी बुद्धिमत्ता है, वो हमेशा से रही है। तो अगर उस चमत्कार के चलते तेजस्वी वाकई मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें उस सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में रोज एक बलात्कार होता है, कम से कम एक बलात्कार होता है, रोज हत्याएं हो रही हैं, मगर मुख्यधारा की मीडिया कभी भी उत्तर प्रदेश में योगी राज को जंगल राज से नहीं जोड़ती। एक और चीज़ बताऊं, इस वक्त योगी जी उतर चुके हैं और योगी जी उतर चुके हैं तो एक बार फिर उन्होंने वही पाकिस्तान, जेएनयू, तमाम चीज़ों का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैंने देखा जब तेजस्वी यादव से योगी जी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे पूरी तरह से टाल दिया। आप जानते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी परिपक्वता को भी दिखाता है। वो इस तरह से दिखलाता है कि तेजस्वी यादव समझते हैं कि अगर वो योगी जी की बातों का जवाब देने लग गए तो इससे माहौल सांप्रदायिक हो जाएगा, सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम दोफाड़ हो जाएगा, और योगी जी को बिहार के चुनावों में लाने का एकमात्र मकसद यही है। यही वजह है कि इससे बचा जा रहा है, योगी जी पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि हाथरस में जिस गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ वो दलित समुदाय से आती है, मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी जी की मौजूदगी को भारतीय जनता पार्टी, खासकर जनता दल यूनाइटेड किस तरह से सही ठहराएगी। चिराग पासवान बेशक इस वक्त एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मगर वो एनडीए का हिस्सा हैं, और चूंकि चिराग पासवान की एलजीपी एक दलित पार्टी है तो वो योगी जी की मौजूदगी को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाथरस के घटनाक्रम ने, और हाथरस ही नहीं कई ऐसी घटनाएं सामने उभर कर आई हैं जहां दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, और ये सब योगी जी के राज में हो रहा है। तो कहने को एक तरफ योगी जी वो ध्रुवीकरण पैदा करते हैं, वो उन्माद पैदा करते हैं, मगर दूसरी तरफ दलितों को लेकर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न इस वक्त बना हुआ है। तो बिहार के चुनाव, दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। तेजस्वी चुनौती दे रहे हैं मगर सवाल ये कि जो वो अनडिसाइडेड 23% वोटर है जिसने अभी अपनी राय नहीं बनाई है वो किसके पक्ष में वोट करेगा? और जैसे मैंने कहा मोदी जी इस वक्त मैदान में उतरने वाले हैं, 4 दिन में 12 रैलियां, 1 दिन में 3 रैलीज, कोरोना के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा देना। खैर वो धज्जियां तो तेजस्वी यादव की रैली में भी हो रही हैं, उड़ रही हैं, नीतीश कुमार की रैली में भी उड़ रही हैं, यानी कि हमारे जो राजनीतिक हुक्मरान हैं, हमारे जो राजनेता हैं, उन्हें आपकी सेहत का थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। खैर चलिए, बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प हैं और नतीजे जो भी आए, देखिए अगर तो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर के आती है, और ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर कर आती है और बेशक जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेते हैं तब भी ये करारा तमाचा होगा और अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वर्डिक्ट होगा, फैसला होगा। और मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आरजेडी दूसरे नंबर की भी पार्टी उभर कर आती है तब भी अप्रत्याशित होगा, और क्यों मैं आपको बतलाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आरजेडी को दूसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए या तो बीजेपी को या फिर जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बनना होगा।
अब देखना यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह से होता है। बहरहाल बोल के लब आजाद हैं, तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।